इसी शासन के भवन पर देश का बड़ा सम्मान दिला के तब अपने नेता को इसी मंच पर लाए। जहां तक नौजवान साथियों वर्तमान सरकार की जहां तक बात है, आज से 5 साल पहले बहुत सारे वादे हुए थे, हालांकि वो वादों को बाद में कहा गया कि ये वादे नहीं, ये जुमले थे। हमारे नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार के नाम पर गुमराह किया गया, 2 करोड़ नौजवानों के 2 करोड़ रोजगार के नाम पर नौजवानों को लाया गया, नौजवानों से सहयोग मांगा गया, लेकिन बाद में क्या कह दिया कि पकौड़ा बेचो। मैं नमन करता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो ऐतिहासिक अच्छा संभव पर खड़े हैं, वो देख माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा से अच्छा संभव की वकालत अगर किसी ने की है तो समाजवादी पार्टी ने की है। एक चीज जान लेना नौजवान साथियों, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप है, ये जो बाहरी मानसिकता के लोगों ने, ये जो उत्तर प्रदेश से बैठा हुआ जो टकराव बाबा है, इस टकराव बाबा ने उत्तर प्रदेश की माननीय घोषणा इंटरव्यू देने दो। ये अलोकतांत्रिक लोकतंत्री हत्यारी सरकार है और इसी शासन से आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवान लोकतंत्र विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी भले ही नहीं आ पाए, लेकिन हजारों हजार लाखों लाख नौजवान अखिलेश यादव बनके